हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस में। मैंने आपको पिछले मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल के लेक्चर में मैंने पिछला इंट्रो टॉपिक दिया था, जिसमें हम लोग ने पॉलीमर्स, कंपोजिट्स, सेरामिक्स के बारे में जाने थे। और पिछले वीडियो को ने बहुत सारा अच्छा व्यू मिला है, तो हम चाहेंगे जो जो ने उस वीडियो को देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना पिछला वीडियो को आप लोगों ने सपोर्ट किया। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, और टोटल अबाउट 15 या 16 प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस करूंगा, बट वन बाय वन जो प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करूंगा। और आज केवल मैं 4 प्रॉपर्टी आप लोग के सामने डिस्कस करने वाला हूँ, केवल 4 प्रॉपर्टी। और मैं पर डे एक वीडियो लाते जाऊंगा पार्ट बाय पार्ट कर। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा और उसे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो सबसे पहले जानेंगे कि किस मटेरियल के बारे में बता दिया था कि एनी थिंग डेट इज मेड ऑफ, उसी को हम मटेरियल बोलते हैं। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बोलूँ तो वैसी प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की जिस पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो इसका बिहेवियर चेंज कर जाए। मीन्स इसकी डेंसिटी, इसकी शेप एंड साइज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसके प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज कर जाए। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स दोज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डैट डिस्क्राइब इट्स बिहेवियर अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब उस पे हम एक बाह्य बल यानी बाहर से कोई बल लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तब उसके करैक्टरिस्टिक्स बिहेवियर में जो उसके जो गुण थे उसके गुण चेंज हो जाएंगे। जो प्रॉपर्टीज पार्टिकुलर मटेरियल के पास जो गुण थे, उसके पास जो प्रॉपर्टीज थे, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने से उसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाएगा, उसी को हम बोलेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी होते हैं, और यहाँ पर मैंने आपको जितने भी होते हैं वो मेंशन कर रखा है। और आपका ये प्रॉपर्टी थर्ड सेमेस्टर से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक आपको सब में यूज़ आएगा, और सबका यूज़ आएगा डिफरेंट सेमेस्टर में। और जैसे कि सिक्स सेमेस्टर में आप लोग जाकर पढ़ेंगे वहाँ पे इम्पैक्ट स्ट्रेंथ के बारे में, क्रीप के बारे में वहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग केवल इंट्रो टॉपिक इन लोग को देखना है, बट ओनली डिफिनेशन जानना है कि क्रीप होता क्या है। बट हम लोग लास्ट सेमेस्टर में जाकर वहाँ पर देखेंगे क्रीप क्या होता है। और इल्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब हम लोग माइल्ड स्टील का जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग को ये सब पढ़ना होगा। तो आज मैं जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाला हूँ वो प्लास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी है, डक्टिलिटी है और मेलेबिलिटी है। तो चलिए हम सबसे पहला प्रॉपर्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि इलास्टिसिटी पे यहाँ पे लिखा हुआ है, Elasticity is the property of material by virtue of which it regains its original shape and size upon unloading. जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊँ कि कोई एक ब्लॉक है, कोई भी वुडन ब्लॉक या सॉलिड ब्लॉक, इसको मैंने स्प्रिंग से यहाँ पे इसको हैंग कर दिया है, लटका दिया है। मान ली कि इसका डब्लू बेल्ट है, ठीक। बट कुछ 5 मिनट के बाद या 6 मिनट, आफ्टर 6 मिनट, आफ्टर 3 मिनट्स और आफ्टर 1 आवर हम देखेंगे कि ये हमारा स्प्रिंग है वो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है, कुछ स्प्रिंग है जो स्ट्रेच कर जाता है। मान लीजिए कि इसका एक्स लेंथ था, तो इसका लेंथ हो जाता है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और जब मैं इस लोड को फिर से यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो ये स्प्रिंग क्या है, अपने आप अपना ओरिजिनल पोजीशन रीगन कर लेता है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी पाया जाता है जिससे ये ऐसा होता है कि जब इसमें मैंने लोड लगाया और लोड को मैंने रिमूव किया तो वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गया, ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इसको डिफिनेशन में बोलूँ तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाई वर्च्यू ऑफ विच, इतना लाइन सबको रट लेना है क्योंकि हर डेफिनेशन में ये लाइन आता ही आता है। सो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ इट इट रिगन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज अपॉन अनलोडिंग। अनलोडिंग मतलब जब उस पर लोड हम हटाएंगे,
उस पर लोड हम एलिमिनेट करेंगे, उससे लोड हम जब रिमूव करेंगे तब अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर जाएगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है हमारा होता है रबर, हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं वो, उसको जब आप लोग स्ट्रेच करते हैं तो उसका लेंथ तो कुछ चेंज हो जाता है, बट जैसे ही इस पर हम फोर्स लगाना छोड़ देते हैं तो अपना ओरिजिनल पोजिशन में आता है। तो और ये इलास्टिसिटी का डिफिनेशन हुआ, और मैंने इसको ये कंसेप्ट से आप लोग को मैं बनने बताया कि क्या इलास्टिसिटी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिकवरी ऑफ मटेरियल मे बी कम्प्लीटली इंस्टेंटेनियसली और पार्शियली। जो ये रिकवरी हुआ, जो अनलोडिंग करने के बाद जो मटेरियल अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आया, ये रिकवरी या तो अपना पूर्णतः अपने पोजीशन पे आ जाएगा मीन्स कम्प्लीटली, या इंस्टेंटेनियसली मतलब टाइम के साथ, कुछ एक घंटा में कुछ आएगा, दो घंटा के कुछ आएगा, चार घंटे के बाद अपने आप मतलब और अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, और पार्शियल कहने का मतलब हल्का आएगा, आधा आएगा। तो इसी में दो इलास्टिक इसी बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल एंड परफेक्टली इन इलास्टिक मटेरियल। तो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल में हम लोग देखेंगे कि वैसे सॉलिड को हम परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे जिसका रिकवरी टाइम के साथ और कंप्लीट हो जाता है, मतलब उसका जो अनलोडिंग करने के बाद जो ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कंप्लीटली कर लेता है, मींस पहले जितना था उतना ही करता है बट टाइम के साथ करता है, न कि मैंने तुरंत उसे छोड़ा। जैसे एज इन द केस ऑफ रबर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो तो स्ट्रेट हो जाता है, बट जैसे ही उसको छोड़ते हैं ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। बट जैसे बहुत सारे मटेरियल है लाइक इन केस ऑफ स्प्रिंग, वो क्या होता है कि जैसे ही हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो जैसे ही उसको हम स्ट्रेच किए तो जो जिसकी स्टिफनेस ज़्यादा होती है कि स्प्रिंग में, वो तो अपने कम्प्लीटली चल आता है, लेकिन एक टाइम से आता है। जैसे यहाँ पे हैंग किया तो ये स्ट्रेच होता है, तो टाइम के साथ कुछ स्ट्रेच होगा, हल्का जगह ज़्यादा लोड लगाएं तो धीरे 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 और लंबा होते जाएगा, धीरे धीरे और स्प्रिंग लंबा होता जाएगा। अगर मैं इसे एक साल तक ऐसे ही ब्लॉक को इसके टांगते रहूं तो ये स्प्रिंग एट लास्ट स्ट्रेट हो जाएगा, एट लास्टली क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल उसे कहेंगे जिसका रिकवरी इंस्टेंटेनियसली हो, मतलब टाइम के साथ बट कम्प्लीटली हो जाए, अपने ओरिजिनल पोजीशन में कम्प्लीटली आ जाए। परफेक्टली इलास्टिक ठीक इसका उल्टा बोल दीजिए, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे आएगा ही बट इनकम्प्लीट आएगा, उसका ओरिजिनल पोजीशन मीन्स अगर 2 मीटर का उसमें 2 मीटर पहले था और उसका डिफॉर्मेशन होने के बाद उसमें 3 मीटर था, तो कभी 2 मीटर नहीं आएगा, कभी 2 मीटर नहीं आएगा, कुछ 2 मीटर कुछ भी नहीं आएगा, 2.5 आ जाएगा, इनकम्प्लीट रहेगा, मतलब ओरिजिनल में जो था ओरिजिनल नहीं आएगा, तो उसको बोलेंगे परफेक्टली इनलास्टिक बॉडी। और मैं इसके ज़्यादा से कंसेप्चुअल वे में चलूँ तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना पड़ता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम माइल्ड स्टील का। ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हुक्स लॉ भी बोला जाता है, उसको वो होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इस जब प्रोपोर्शनली साइन को मैं रिमूव करूंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है ई, जिसको बोला जाता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे मैंने स्ट्रेन को रिप्रेजेंट किया और स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे किया। तो जब ये मैं जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो यहाँ अप टू दिस रीजन ये क्या होगा, ये हमें इलास्टिक रीजन देता है, ये क्या होता है इलास्टिक रीजन होता है, इसे बोलते हैं इलास्टिक रीजन। ये जो हमारा रीजन हुआ इसको बोलते हैं इलास्टिक रीजन। इसमें जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे तो हमारा जो स्पेसिमेन का लेंथ क्या होगा, चेंज होगा, मींस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन स्ट्रेस क्या होता है लोड अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो जैसे जैसे हम स्ट्रेस लगाएंगे हमारा क्या होगा, लेंथ भी बढ़ेगा, बट कब तक बढ़ेगा, अप टू दिस लिमिट, और इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। तो सो अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट दिस एरिया इज दिस रीजन इज नोन एज इलास्टिक रीजन, एंड ये प्रोपोर्शनल लिमिट से लेके यहाँ पर रप्चर पॉइंट तक इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। मीन्स यहाँ पर इलास्टिक रीजन इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, मींस के स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है,
मतलब कि स्ट्रेस घटाएंगे भी तो स्ट्रेन घटेगा। मीन्स जब हम एक बार बॉडी को उसमें स्ट्रेस दिए तो उसका लेंथ इंक्रीज कर गया, बट एक बार स्ट्रेस उसमें से हटाएंगे तो उसका लेंथ भी डिक्रीज करेगा। इससे मतलब ये होता है कि जो हमारा स्पेसमैन था वो उसमें हम लोड लगाएं तो उसमें जो जो डिफॉर्मेशन हुआ वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ रहा है। डेट्स वाई दिस रीजन इज नोन एज इलास्टिक रीजन। और इसमें हमारा स्पेसमैन एक बार जब डिफॉर्मेशन इसमें हो जाता है, बदलाव हो जाता है, तो हमारा वो स्पेसमैन है वो अपने ओरिजिनल पोजिशन में कभी नहीं आता है। सो दिस रीजन इज नोन एज प्लास्टिक रीजन। तो है हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी। जो इलास्टिसिटी के ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने देखा, अगर आपको ये पूछ दे तो आप इतना वहाँ पर कॉपी पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ इच, जैसा कि मैंने बताया था कि सब में ही आएगा। प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू इट मे बी परमानेंटली डिफॉर्म व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स दैट इज ग्रेट एनफ टू एक्सीड द इलास्टिक लिमिट। मीन्स कहने का मतलब इसमें जब इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मैंने जब ब्लॉक लटका रखा था तो ये ब्लॉक लटका दो, जो इसमें डिफॉर्मेशन आएगा ये डिफॉर्मेशन कभी भी ओरिजिनल पोजीशन में कभी भी नहीं आएगा। ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी। और कुछ इसके आगे नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, कोई फोर्स लगाएंगे तभी डिफॉर्मेशन होगा, परमानेंटली होगा। परमानेंटली कहने को मतलब हमेशा के लिए, टेम्पोरेरी नहीं, परमानेंटली। डेट इज ग्रेट एनफ टू एक्सीड द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वहाँ पर उस पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट जहाँ पर हमारा डिफॉर्मेशन होते रहता है, जहाँ पर मतलब डिफॉर्मेशन होते उसके बाद डिफॉर्मेशन होना हमारा बंद हो जाता है। मीन्स कि इलास्टिक लिमिट को अगर ये फोर्स ओवरकम कर जाएगा, मतलब इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा ये फोर्स रहेगा, तब हमारा परमानेंटली डिफॉर्मेशन होगा। मीन्स इसके बाद ये जो है इसके बाद ये हमारा डिफॉर्मेशन होगा। सो ये प्लास्टिक रीजन मैंने कुछ देर पहले ही आप लोगों को बताया था। जैसे कि एग्जांपल इसका फोर्जिंग हुआ। फोर्जिंग में क्या होता है, जैसे कि मेटल को हम गला पिघला कर कुछ शेप देते हैं, फिर से वो मेटल फिर से उसको हम ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ले आते हैं। तो सो इसे प्लास्टिसिटी का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बट आने के पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे एक टेंसाइल फोर्स होता है, एक टेंसाइल होता है एक कंप्रेसिव होता है, ठीक है। एक टेंसाइल होता है, कंप्रेसिव होता है। टेंसाइल में क्या होता है कि हम पुश फोर्स लगाते हैं, पुश खींचते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक है, इसको मैं खींच रहा हूँ। आप लोग ने बहुत सारे मॉल के गेट पे भी देखा होगा पुश और पुल लिखा होता है। पुश मीन्स अंदर की ओर धक्का देना, पुल फोर्स है, बाहर की ओर हम लोग खींचते हैं, और पुश मतलब अंदर की ओर खींचना, ये अंदर की ओर, ये डायरेक्शन हमारा चेंज हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये अंदर की ओर। तो इन द केस ऑफ टेंसाइल फोर्स, और टेंसाइल फोर्स में हम क्या देखते हैं, तो पुल फोर्स बाहर की ओर खींचते हैं, तो बाहर की ओर खींचते हैं तो क्या होगा, बाहर की ओर खींचने से हमारा स्पेसमैन खींचा जाएगा। इधर से भी कुछ मान लेते खींच, यहाँ खींचाया, ये भी खींचा गया, स्ट्रेच हुआ, स्पेसमैन क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ। तो इसमें क्या होगा, लेंथ में इसकी इंक्रीजमेंट हो गई, बट इसकी जो डायमीटर थी, ये इसकी जो डायमीटर थी वो क्या हुई, डिंक्रीज हुई। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हुए डक्टिलिटी के बारे में जानेंगे। तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ इट इट कैन अंडरगो डिफॉर्मेशन। क्या है, इसमें डिफॉर्मेशन होता है अंडर द टेंशन विदाउट रप्चर। क्या होगा यहाँ पर, विदाउट, बिना टूटे हुए, इसमें जब हम उसमें टेंशन फोर्स लगाएंगे, मीन्स पुल फोर्स लगाएंगे, तब इसमें इसके स्पेसिफिक में डिफॉर्मेशन होगा, इसमें बदलाव होगा, इसमें चेंजेज आएगा। मतलब उस पर टूटना नहीं चाहिए, विदाउट रप्चर, रप्चर मतलब ब्रोकन, बिना टूटे हुए। और इसको बोल सकते हैं डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ड्रॉ फ्रॉम ए लार्ज सेक्शन टू अ स्मॉल सेक्शन। जैसे कि एक स्पूल रखा हुआ है वायर का, बहुत सारा यहाँ पर कॉपर वायर का स्पूल रखा हुआ है, और यहाँ से मैंने एक तार खींचना स्टार्ट किया था, ये लार्ज सेक्शन था और ये एक स्मॉल सेक्शन में है। सो डक्टिलिटी को ऐसे ही बोल सकते हैं कि डक्टिलिटी इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ड्रॉ फ्रॉम ए लार्ज सेक्शन टू ए स्मॉल सेक्शन। एक लंबा सेक्शन, एक बड़ा सेक्शन में से एक छोटा सेक्शन को खींचना ही डक्टिलिटी बोलते हैं। जैसे कि वायर ड्राइंग, जो हमारा वायर बनता है, जो हमारा कॉपर वायर या जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी केबल में यूज होता है, वो इसी प्रोसेस से यूज होता है।
और जो डक्टिलिटी हो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं परसेंटेज इलोंगेशन में। परसेंटेज इलोंगेशन कहने का मतलब इसका लेंथ में कितना चेंजेस आया पर उसको परसेंटेज में निकालेंगे, और लेंथ में चेंज होता है और क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं बताया था इसके डायमीटर डिक्रीज होता है, डायमीटर डिक्रीज कहने का मतलब इसकी एरिया डिक्रीज हो रही है, तो इसको परसेंटेज रिडक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो परसेंटेज इलोंगेशन निकालने के लिए क्या होगा, हमारा लेंथ क्या होता है इंक्रीज कर जाता है, लेंथ इंक्रीज कर जाता है तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज इलोंगेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है 100% रिडक्शन इन एरिया, मीन्स कि एरिया में रिडक्शन हो रहा था, ओरिजिनल क्या एरिया क्या था, ओरिजिनल एरिया ए नोट था और फाइनल एरिया क्या था, एरिया क्या हुआ घट गया, तो चेंज इन एरिया क्या हो गया, अब हो जाएगा ओरिजिनल माइनस फाइनल, ना कि फाइनल माइनस ओरिजिनल, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन एरिया, एरिया हमारा घट रहा है, तो यहाँ पर देखिए फाइनल एरिया क्या हो रहा है, हमारा घट रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आया, यहाँ पर ओरिजिनल एरिया घट रहा था, फाइनल एरिया क्या हो रहा था, तो ए नोट माइनस ए हो गया और बाई ए नोट ओरिजिनल एरिया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। और यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स का जो डक्टिलिटी मेंशन कर दिया है उसके वैल्यू के साथ परसेंटेज इलोंगेशन में, जैसे कि अल्मोनियम का 45, कॉपर का 45, आयरन का 45, और यहाँ पर एक निकल है ये 40 हो गया, टाइटेनियम का 30। ये हुआ हमारा डक्टिलिटी के बारे में, और ये डिस्क्रिप्शन दिया डक्टिलिटी के बारे में, प्लास्टिसिटी के बारे में और इलास्टिसिटी के बारे में। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ हीट इट कैन विदस्टैंड डिफॉर्मेशन अंडर द कंप्रेशन विदाउट रप्चर। एज इन द केस ऑफ डक्टिलिटी वी हैव सीन दैट द टेंशन फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉर्मेशन। डक्टिलिटी में कौन सा फोर्स था, टेंशन फोर्स रिस्पॉन्सिबल था, जिसमें लेंथ इंक्रीजमेंट हो रही थी। बट इन द केस ऑफ कंप्रेशन हमारा क्या हो रहा है, लेंथ को डिक्रीज कर जा रहा है, लेंथ क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज कर जा रहा है। तो जब इस पे हम जो हम हमारा कंप्रेशन फोर्स डालेंगे, कंप्रेशन फोर्स डालेंगे तो इसकी क्या हो रहा है, लेंथ की उम्र हमारा डिक्रीज कर जा रहा है विदाउट रप्चर, बिना टूटे हुए, उसके मेलेबिलिटी को बोलेंगे, जैसे कि रोलिंग और फोर्जिंग ऑपरेशन में यूज होता है। और इसको बोल सकते हैं डबिलिटी ऑफ मेटल टू फॉर्म बाई ए हैमरिंग और रोलिंग इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। और इसको बोल सकते हैं कि जो किसी मेटल को हैमरिंग करकर, मतलब उस पर हथौड़ा मारकर और उसको रोल कर उसको जो शेप एंड साइज जो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, उसी प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि हम लोग भट्टी में देखे होंगे कि किसी मेटल को जगह गर्म कर, जैसे छेनी ही हमको बताना है, चीजल्स, जो चीजल्स हम वर्कशॉप में हम बनाते हैं फॉर्जिंग ऑपरेशन में, तो उसको पहले सबसे पहले भट्टी में हम लोग गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है कि उसको गर्म करके उसको बाहर निकालते हैं, बाद में उसको हैमरिंग को कसकस कर उस पर हैमर हम हथौड़ा मारते हैं, जिससे वो अपना उसका सेज चपटा हो जाता है, सीट लाइक स्ट्रक्चर में चेंज होता है। सो थीन सीट, जितने भी थीन सीट होते हैं, चदरा जिसको बोलते हैं, वो बनता है उसमें। वो चदरा क्यों बनता है, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है उस मेटल में, वो प्रॉपर्टी का क्या नाम है, मेलेबिलिटी। यहाँ पर एक मैंने नोट कर रखा है, डक्टिलिटी इज रिलेटेड विद टेंसाइल प्रॉपर्टी। क्या है, डक्टिलिटी रिलेटेड था किसके से, टेंसाइल प्रॉपर्टी से, बट मेलेबिलिटी किससे रिलेटेड है, कंप्रेसिव प्रॉपर्टी से। सो ये मैंने चार प्रॉपर्टी आज के वीडियो में डिस्कस किया है, और नेक्स्ट के वीडियो में मैं और चार टॉपिक आप लोग को डिस्कस करूंगा, और ये वीडियो पार्ट बाय पार्ट आएगा। नेक्स्ट वीडियो में ब्रिटलनेस, हार्डनेस, टफनेस और रेजिलियंस के बारे में बोलूंगा, जो पार्ट टू में है, ठीक, जो पार्ट टू का है, और ये पार्ट वन था आपका दो लेक्चर में, आपका यूनिट वन आपका दो लेक्चर और लगेगा और ये आपका खत्म हो जाएगा। और इससे आप लोग फोर मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो आप लोग 10 नंबर यहां से आप लोग इजिली गेन कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो में आप लोग के लिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, और भी जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ने में इस लॉकडाउन में दिक्कत हो रही है, उसे अपने वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।